जा रही है कि दोबारा से बीजेपी जो है सरकार बनाने की कवायद कर रही है, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे? मैं तो उसी बात पे जाऊंगा जो पब्लिकली ट्विटर के जरिए राम माधव साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि ये खबरें जो है ये बेबुनियाद हैं और बीजेपी की इस तरह की कोई कोशिश है नहीं। हालांकि उनके कहने और रियासत की जो बीजेपी की यूनिट है, इन दोनों के कहने में फ़र्क है। बीजेपी जो आपके स्टेट लीडर हैं वो तो बार बार इस तरह इशारा कर रहे हैं कि बस हुकूमत आई आई आई, लेकिन उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं सही कौन है गलत कौन है। आप एक एक करके पूछिए। अब आप सर बीजेपी ये तो आप उनसे पूछिए जो कोशिश कर रहे हैं। हम तो इस कोशिश से बिल्कुल अपने आप को हमने बाहर रखा हुआ है। हम तो आपसे बार बार कहते हैं कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हुकूमत बनाने की किसी भी तरह की कोशिशों में हम जो है अब कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि बस 28 आए, 20 आ गए, 21 आए, 22 आए, उनसे पूछिए ना कि एंटी डिफेक्शन कानून के तहत इस तरह की बात कैसे होगी। ये तो आप उनसे ये मैं नहीं कह सकता। सर पीडीपी के अंदर जिस तरह एक के बाद एक जो उनके विधायक हैं और नेता हैं वो बागी होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि पीडीपी टूट के कगार पे है? अभी तक तो सिर्फ 3 या 4 ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप के खिलाफ बात की, उससे ज्यादा तो है नहीं। और अगर के आपकी बात सही है कि पीडीपी के अंदर ये हालात हैं, तो ये उनका अंदरूनी मसला है, ये उनका अंदरूनी मसला है, ये उनकी लीडरशिप को सुलझाना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी के बनाने में हमारा कोई हाथ रहा नहीं, पीडीपी के बिगाड़ने में भी हमारा कोई हाथ नहीं रहा। बीजेपी का कहना है कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में भी है। कौन? बीजेपी का कहना है। देखना मेरे साथ तो किसी की बात नहीं हुई। सर एट अ टाइम व्हेन देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, डू यू थिंक दैट द गवर्नर शुड टेक द इनिशिएटिव एंड डिसॉल्व द असेंबली? बिकॉज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ऑन रिकॉर्ड डिमांडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। द क्योर फॉर ऑल दीज रूमर्स अबाउट हॉर्स ट्रेडिंग, ऑल दीज रूमर्स अबाउट breaking of political parties, all these rumors about formation of alternate government will all be solved with the dissolution of the assembly. We are not demanding immediate elections. We also understand that to create the climate conducive for elections in Kashmir will take some time. But at least in the meantime, we can put an end to all this unnecessary and unseemly sort of rumor mongering. Let the assembly be dissolved and then we will continue. Will National Conference go to Supreme Court for dissolution of assembly or no? That's something we have not discussed as yet. Sir, BJP का कहना है कि सरकार से समर्थन लेने के बाद अब जब से गवर्नर रूल लगा है तो हालात घाटी में काफी तेजी से सुधर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये फैसला है वो सही है। आपको हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो वहाँ खून खराबा ही लग रहा है। जो पिछले दिनों हालात वहाँ रहे कुलगाम में जिसमें 3 लोग मारे गए, उसमें तो मुझे हालात की कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। जो मतलब मिलिटेंसी का दबदबा वहाँ पे है उसमें भी फिलहाल कोई कमी नहीं आई है। तो ये मानना कि अचानक जो है गवर्नर रूल के लगने से रियासत में हालात बेहतर हो गए हैं, ऐसा तो शायद उनको दिल्ली से नजर आ रहा होगा, कश्मीर में बैठे बैठे हमें ये नजर नहीं आता। सर देयर आर रिपोर्ट्स दैट इस्लामिक स्टेट हैज समहाउ गेन्ड अ टोहोल्ड इन द वैली एंड दे आर आल्सो कैरिंग आउट टेरर एक्टिविटीज, सो डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड नाउ रीस्ट्रेटजाइज एज फार एज कॉम्बैटिंग? आई एम नॉट प्रिवी टू एनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। आई विल नॉट गो बाय मीडिया स्पेकुलेशन। As and when I see something concrete about the presence of the Islamic State, I will comment, not until then. Sir, jis tarike se BJP ne PDP ke kuch mantriyon pe allegation lagaye hain corruption ke, kya aapko lagta hai is cheez ko lekar governor ko ab sangyan lena chahiye? Na bahut se aisi baatein hamare zaire gaur bhi hain, hame bhi logon ne kai aisi baatein pahunchayi hain jisme se lagta hai ki pichli hukumat mein ministeron ke khilaf corruption ke ilzam hain, aur isme ye sirf PDP ke khilaf nahi hai, इसमें कई सारे ऐसे बीजेपी के भी मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए गए हैं। ये तमाम जो बातें गवर्नर साहब के पास पहुंचाई जाएंगी और उम्मीद की जाएगी कि विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन पे इन्वेस्टिगेशन हो,
और अगर ये सही साबित हुए तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैज सेड दैट दे विल बी ओपनिंग अ शरिया कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। डू यू थिंक सर दिस मूव विल अंडरमाइन द पावर ऑफ द कोर्ट्स व्हिच वी ऑलरेडी हैव? आई हैव नॉट सीन दिस स्टेटमेंट। आई हैव नॉट सीन दिस। महबूबा मुफ्ती सर करप्शन के